Let us start this. Click on this link, Hindu and Indian Express in 2 minutes. Then visit student dashboard. फिर आपको जिस भी डेट का करंट अफेयर्स चाहिए वो ले लो. अभी तक आपके ये हैं 24 से आपके इंडियन एक्सप्रेस भी ऐड कर लिया गया है. इसको मैं दो टैब में ओपन कर रहा हूँ, रीज़न आई विल टेल यू व्हाई. एक को खींच के रख दो यहाँ पर, ठीक है, रख दिया. नाउ स्टूडेंट डैशबोर्ड बंद कर दो. तो ये सेम हो गए. देन व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर दिस, इसमें से किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर लो. आई एम चूजिंग हिंदी. सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. करंट के नाम पर जून 17 में सिर्फ दो चीज़ें थी, वायु, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो अरेबियन सी में आया है. नॉर्मली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में आते हैं, वायु टाइप नॉट कॉमन. देन ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, IUCN का स्टेटस है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जंगल में विलुप्त हो गए. इसी तरह से हमारी जो कंटेम्प्रेरी अफेयर्स हैं समकालीन, ये भी धीरे धीरे हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 2 मिनट सीरीज से विलुप्त हो जाएंगे और 2020 और 50-50 का पार्ट बन जाएंगे. तो लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर कई सालों से बात चल रही है 2014 से. तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है इस पोस्ट के लिए, स्पीकर के डिस्क्रिप्शन पर टोटली डिपेंड करता है. LOP एक्ट आया था 1977 का, उसने इसको स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर दिया हुआ है. पार्टी की एटलीस्ट इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो कोरम कॉन्स्टिट्यूट कर सके, मतलब 1/10 ऑफ टोटल मेम्बरशिप. ये लोकसभा के केस में यू नो. बिमल जालान कमेटी, जो इशू चल रहा है कि RBI कितना पैसा ट्रांसफ़र करेगी सेंटर को, उसके ऊपर रिकमेंडेशन के लिए ये कमेटी है. ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया BPPI DOP का पार्ट है, ये आपकी जन औषधि परियोजना इम्प्लीमेंट करती है. BJP ने अपने नाम पर रख दिया PMBJP. PMBJP आपके सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है अफोर्डेबल मेडिसिन के लिए. IMA, जो जितनी भी सोसाइटी होती है, आपको रटने की नीड नहीं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 के अंदर ये सब रजिस्टर होती हैं. तो ये मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर के वेलबींग के लिए काम करती है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है. न्यूज़ में क्यों है यू ऑल नो. कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन, या इसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी. इसने ICAO की इस्टेब्लिशमेंट की हुई है, जो कि UN की एक एजेंसी है. SCO, ये सब 2020 में आपको डिटेल में मिलेंगे. मेंबर स्टेट्स आपको रटने हैं, फिलहाल रट लो, इंडिया इसका मेंबर है. RATS, अब हिंदी ट्रांसलेट कभी कभी ऐसी भी हो जाती है, आपको चूहो नहीं लिखना, RATS ही लिखना है हिंदी में भी. इसका जो हेडक्वार्टर है ताशकंद में है. जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं इस टाइप की चीज़ें ही आपकी कंटेम्प्रेरी में अपडेट करनी है, अदरवाइज एवरीथिंग यू हैव टू मेक पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी, नथिंग इज़ करंट. FATF, पाकिस्तान को इसने ग्रे लिस्ट में रख दिया, इस वजह से न्यूज़ में है. ब्लैक लिस्ट में रखने की बात चल रही है, हेडक्वार्टर पेरिस में है, इंडिया मेंबर है. इंटरनेशनल टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए वॉच डॉग है. देन 1267 कमेटी, ये वही कमेटी है जिसने मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था, UNSC की कमेटी है. उइगुर मुस्लिम, ये लोग क्या हैं, टर्की के माइनॉरिटी एथनिक समूह, मतलब जातीय समूह हैं, और दुनिया में सिर्फ एक जगह पे इनको सिटीजनशिप मिली हुई है, जिनजियांग चाइना, बाकी लोग इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं करते. BBIN सारी कंट्रीज़ के ग्रुपिंग हैं, आपको ये भी रटने होते हैं 2020-50-50. MVA जो है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, भूटान ने रेटिफाई नहीं किया, बाकी तीन ने कर दिया. भूटान के बारे में दो चीज़ें और न्यूज़ में हैं, ये UNSC के किसी भी मेंबर के साथ टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखता है. और ये क्या है, मांग छेदू, मांग देचू जो भी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज़ में है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है. इको फ्रेंडली ब्रिक्स, इनको हम बना सकते हैं फ्लाई ऐश से और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट से. देन वोकैब एंड कीवर्ड के नाम पे ये चीज़ रट लेना. टॉपिक ऑफ मेंस आज के लिए ये हैं. थैंक यू.